नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवाणी। नया संसद भवन 2047 के नए भारत की नींव रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो वहीं पुराना संसद भवन अब इतिहास के पन्ने में दर्ज हो जाएगा। लेकिन नई संसद में आज से नया आगाज होगा। पीएम मोदी संविधान की किताब लेकर जब सदन में पहुंचेंगे, नया इतिहास लिखा जाएगा। भारतीय राजनीति के इतिहास में आज का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। 18 जनवरी 1927 को पुरानी संसद बिल्डिंग बनकर तैयार हुई और आज 19 सितंबर को इसकी विदाई होने जा रही है। नए संसद भवन में आज से विशेष सत्र की शुरुआत होने जा रही है। पुरानी संसद में सुबह 9:30 बजे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की जॉइंट फोटो शूट होगी। ग्रुप में 3 अलग अलग फोटो ली जाएंगी। पहली फोटो में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, तो दूसरे फोटो में सभी राज्यसभा सदस्य मौजूद रहेंगे। तीसरी फोटो में सिर्फ लोकसभा के सदस्य होंगे। सुबह 11 बजे पीएम मोदी संसद के सेंट्रल हॉल पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के साथ वरिष्ठ मंत्री और लोकसभा और राज्यसभा के सांसद होंगे। इस दौरान सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम होगा जिसमें 2047 तक भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया जाएगा। पीएम सेंट्रल हॉल से संविधान की कॉपी लेकर नए भवन तक पैदल जाएंगे। सभी एनडीए सांसद पीएम मोदी के पीछे पीछे चलेंगे। ठीक 1:30 बजे नए संसद भवन में कार्यवाही शुरू हो जाएगी, तो वहीं राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2:15 बजे पर शुरू होगी। नई संसद बिल्डिंग में पहली बैठक के दौरान जब सांसद संसद भवन में प्रवेश करेंगे तो उन्हें उपहार स्वरूप 75 रुपए का चांदी का एक सिक्का भी दिया जाएगा। सभी सांसदों को भारत के संविधान की एक प्रति भी भेंट स्वरूप दी जाएगी। इससे पहले कल मोदी कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दी गई। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सरकार कल बिल पेश कर सकती है। इस बिल में लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। बिल में 33% कोटे के भीतर एससी एसटी और एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण का भी प्रस्ताव है। विधेयक में प्रस्तावित है कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद आरक्षित सीटों को रोटेट किया जाना चाहिए। आरक्षित सीटें राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन द्वारा आवंटित की जा सकती हैं। इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के 15 साल बाद महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त हो जाएगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं अनूप गुप्ता। अनूप, महिला आरक्षण बिल पर मुहर लगी है, बड़ी ये जानकारी है। देखिए, लंबे वक्त से इसका इंतजार किया जा रहा था। सोनिया गांधी के वक्त का समय था जब ये आरक्षण की बात कही गई थी और लगातार प्रयास किए जा रहे थे कि ये आ जाए और महिलाओं को इसका फायदा मिले। अब वो घड़ी आ चुकी है प्रधानमंत्री के समय में। बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि ये केंद्र सरकार का ऐतिहासिक फैसला होगा क्योंकि महिला आरक्षण बिल जो है वो 27 सालों से कह सकते हैं कि संसद में पास नहीं हो पाया है। एचडी देवगौड़ा ने पहली बार जो है महिला आरक्षण बिल को पेश किया था, लेकिन किसी न किसी कारणवश जो है वो ये बिल उस वक्त भी पास नहीं हुआ। और दूसरी बात बता दूं कि उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में भी इसको पेश करने की कोशिश और पास कराने की कोशिश की गई, लेकिन उस वक्त भी नहीं हो पाया। आखिरी बार मनमोहन सिंह
जब मनमोहन सिंह की सत्ता थी उस वक्त भी पास नहीं हो पाया। हालांकि 2010 में राज्यसभा में जरूर इस बिल को पास कराया गया था। बहुत ही कह सकते हैं कि उस समय हंगामे के बीच इस बिल को पास कराया गया, लेकिन किसी भी सरकार को इस पे सफलता नहीं मिली थी। जिस तरीके से हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जब संसद भवन पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि ये सत्र जरूर छोटा है लेकिन ऐतिहासिक फैसले वाला ये सत्र होगा। तो जाहिर सी बात है कि कल कैबिनेट की बैठक पे महिला आरक्षण बिल पर जो है वो मुहर लगाई गई और वाकई ये ऐतिहासिक सत्र हो सकता है अगर ये बिल पास हो जाता है। और देखिए, इसको पास होने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सत्ता पक्ष और ख़ास तौर पर विपक्ष में कांग्रेस और तमाम राजनीतिक पार्टियों से भी कल जिस तरीके से बात हुई सभी महिला आरक्षण बिल के पक्ष में है। ऐसे में कहा जा सकता है कि इस बिल को अब पास कराने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कुछ टेक्निकलिटी जरूर सामने आएगी। विपक्ष जरूर किसी मुद्दे को उठा सकती है इस मसले पर, लेकिन देखना होगा कि किस तरीके से किस लहजे में इस बिल को क्या क्या चीजें इस बिल में होती है, इस बिल को पास कराने के लिए सरकार लाती है और किस तरीके से विपक्ष की सारी पार्टियां जो पहले कुछ किसी मुद्दे पर विरोध करती रही है किस तरीके से इस बिल पे सहमत हो पाती है। जी देखिए, लंबे वक्त से अनूप मांग तो की जा रही थी। अब जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ये इन सब चीजों को साकार किया जा रहा है, आपने भी जिक्र किया कि यहाँ पर अब विपक्ष को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पर हम हमेशा देखते हैं विपक्ष जिस चीज की मांग करता है अगर वो चीज हो जाती है तो भी विपक्ष का हम हंगामा देखते हैं, नाटक देखते हैं। और जो छोटे छोटे दल हैं जो लंबे वक्त से इसका विरोध कर रहे हैं, क्या माने उनका भी विरोध कहीं ना कहीं देखा जा सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल संसद भवन पहुंचे थे और मीडिया से मुखातिब हुए थे तो उन्होंने कहा था कि रोने धोने का वक्त नहीं है और सभी को साथ मिलकर काम करना चाहिए। उनका इशारा साफ तौर से था कि जब केंद्र सरकार कोई ऐतिहासिक फैसला लेने जा रही है तो सभी राजनीतिक पार्टियों को साथ देना चाहिए और किसी भी तरीके से इस पर कम से कम इस पर विरोध नहीं करना चाहिए। जाहिर सी बात है कि महिला आरक्षण बिल बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बिल है। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस शुरुआत के दिनों से ही इस बिल के का समर्थक रही है, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां जरूर अपने स्थानीय राजनीति की वजह से इस बिल का विरोध करती रही है और इस बिल में कुछ संशोधन की मांग लगातार किए जाते रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा और सभी की नज़रें भी उसी पर टिकी होगी कि ये जो बिल है उस पर किस किस बातों का जिक्र होता है। क्या कोटा विद इन कोटा, यानी कि महिला आरक्षण में भी क्या कास्ट बेस पर कुछ कोटा का आरक्षण किया जाता है, जिसकी मांग जो है कुछ राजनीतिक पार्टियां, कुछ छोटी राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, RJD हो, लगातार करती रही है, क्या उस पर कुछ बातें बनेगी? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन देखिए, आज गणेश चतुर्थी का दिन है और आज के दिन पुराने संसद भवन से पूरा जो कार्रवाई है वो नए संसद भवन में शिफ्ट करने जा रहा है, यानी कि ये ऐतिहासिक दिन है। और जाहिर सी बात है कि आज ही यानी कि नए संसद भवन की शुरुआत में ही अगर ऐतिहासिक बिल को पटल में रखा जाता है तो ये भी एक बहुत बड़ा दिन माना जा सकता है। लेकिन देखना होगा कि किस तरीके से बिल सरकार लाती है और किस तरीके से पास करा पाती है। लेकिन यकीन जानिए कि अगर महिला आरक्षण बिल इस विशेष सत्र में पास होता है तो वाकई ये जो सत्र है वो ऐतिहासिक माना जाएगा। जी 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 देखिए अनूप, पहले बहुत सारे कयास लगाए गए थे कि कुछ और एजेंडा होगा, और भी कई सारे विधेयक होंगे जिन पर चर्चाएं होंगी, हंगामा होगा, पर हमने देखा कि प्राथमिकता जो है महिला आरक्षण को दी गई। तो ये माने हम कि विशेष सत्र ही महिला आरक्षण के लिए था? देखिए, जाहिर सी बात है कि सरकार ने पहले से ही तय कर लिए होंगे कि ये जो 5 दिनों का सत्र बुलाया जा रहा है वो उसमें किस तरीके से इसको ऐतिहासिक बनाया जाए। देखिए, एक जो पर्पस इस सत्र को बुलाने का था वो ये था कि पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में शिफ्ट करना था,
तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को ये लग रहा था कि गणेश चतुर्थी, जो कि आपको भी पता है कि महाराष्ट्र और जो उस वो जो इलाके हैं और पूरे देश में इसका एक अपना महत्व है, तो ऐसे में इस पवित्र दिन में अगर पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में कार्रवाई अगर शिफ्ट होती है तो ये बहुत बेहतर माना जाएगा। और यही वजह है कि 18 तारीख से इस सत्र की शुरुआत हुई। और देखिए, कल जब सत्र की शुरुआत हुई तो कल दिन भर संसदीय इतिहास के 75 साल पर चर्चा की गई। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने तरीके से पुराने संसद भवन और उनसे जुड़ी यादें और 75 साल के संवैधानिक इतिहास पर चर्चा की। देखिए, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव चर्चा थी, वहां पर राजनीति देखने को नहीं मिला। आम तौर पर हम देखते हैं कि जब किसी बात पर चर्चा होती है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में नोकझोंक और तकरार देखने को मिलती है, लेकिन कल कुछ भी नहीं मिला। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी से लेकर मनमोहन सिंह तक की चर्चा और बातचीत की। वहीं विपक्ष ने अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ की। तो जाहिर सी बात है, एक बहुत ही स्वच्छ राजनीति के तौर पर हमने चर्चा कल देखी है। और जाहिर सी बात है, इसको बहुत ही तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको रखा है। और जाहिर सी बात है, आज का दिन भी बहुत कह सकते हैं कि ऐतिहासिक और बड़ा दिन होने वाला है, जब पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में पूरी कार्रवाई जो है वो शिफ्ट करेगी। और देखना होगा कि सरकार, केंद्र सरकार कब महिला आरक्षण बिल को सदन के पटल पे रखती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और भोपाल से बड़ी खबर की अब हम बात करेंगे। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा लगातार जारी है। पार्टी के दिग्गज नेता यात्रा में शिरकत करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी भी यात्रा में शामिल होंगे और खुरई में ये यात्रा होगी। सीएम शिवराज पुष्कर धामी यात्रा में शिरकत करेंगे। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा लगातार जारी है। बता दें आपको, पार्टी के दिग्गज नेता यात्रा में शिरकत करेंगे। बता दें लगातार केंद्रीय नेतृत्व जो है या दिग्गज नेता हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं मध्य प्रदेश का। और इसी बीच जो यात्रा है, जन आशीर्वाद यात्रा है, उसमें पार्टी के दिग्गज नेता शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी यात्रा में शामिल होंगे। खुरई में ये यात्रा होगी। सीएम शिवराज पुष्कर धामी यात्रा में शिरकत करेंगे। और कांग्रेस की आज से जन आक्रोश यात्रा शुरू होने जा रही है। 11,400 किलोमीटर की दूरी तय करेगी ये यात्रा। 7 संभागों से 7 दिग्गज नेता यात्रा की शुरुआत करेंगे। अरुण यादव दमोह से शुरू करेंगे यात्रा। गोविंद सिंह श्योपुर से यात्रा की शुरुआत करेंगे। कमलेश्वर पटेल सिंगरौली के चितरंगी में मौजूद रहेंगे। जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। 11,400 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। इसमें बता दें 7 संभागों से 7 दिग्गज नेता यात्रा की अगुवाई करेंगे। रायपुर की बात कर लेते हैं। रेलवे ने 24 रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया है। इंटरलॉकिंग वर्क के चलते रद्द की गई हैं ट्रेनें। 5 ट्रेनों को दूसरे रूट से चलाया जाएगा। बता दें रेलवे ने असुविधा के लिए खेद भी जताया है। 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक ये ट्रेनें रद्द रहेंगी। 24 ट्रेनें रद्द रहेंगी। तो लगातार छत्तीसगढ़ में ट्रेनें रद्द होने का सिलसिला चल रहा है और कहीं ना कहीं रेल यात्रियों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। और इसी बीच हमने कई बार देखा, जब ट्रेनें रद्द हुई तो कांग्रेस ने यह मुद्दा भी उठाया, इस पर सियासत भी हुई, प्रदर्शन भी हमें देखने को मिले। अब एक बार फिर से जो है 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक 24 ट्रेनें रद्द रहने वाली है।
देश में गणेश चतुर्थी की धूम देखने को मिल रही है। बप्पा के विराजमान करने को लेकर कई तरह की तैयारियां भी की गई हैं। विश्व के प्रसिद्ध मंदिरों में खजराना गणेश मंदिर में भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखा, जहां आधी रात गणपति को 125,000 मोदक का भोग चढ़ाया गया। भगवान गणेश को 2.5 करोड़ के आभूषण से राजा की तरह रूप दिया गया। तो वहीं भक्तों के लिए अगले 10 दिनों तक 24 घंटे मंदिर के पट खुले रहेंगे। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। धूम जो है गणेश चतुर्थी की साफ तौर से नजर आ रही है, साजो सज्जा की गई है और अलग ही धूम देखने को मिल रही है। इंदौर की तस्वीर आप देख रहे हैं खजराना गणेश मंदिर की। तो वहीं मुंबई में भी उत्साह जो है चरम पर है। बुरहानपुर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही है। आपको ये भी बता दें, गणेश चतुर्थी की शुरुआत जो है हो चुकी है और अब 24 घंटे जो है मंदिर के पट 10 दिन तक खुले रहेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूं और सबसे पहले मैं आपको भगवान गणेश के दर्शन कराता हूं। और देखिए, इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरों में गर्भगृह से गणेश भगवान की, गर्भगृह से खजराना गणेश भगवान की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर भगवान गणेश का श्रृंगार किया गया है। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं खजराना गणेश मंदिर में भक्तों की कितनी भीड़ है। मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। और फिलहाल ये जो तस्वीर है हम आपको खजराना गणेश मंदिर से दिखा रहे हैं, और 10 दिनों का लोगों खास तौर पर काफी इंतजार रहता है। और खजराना गणेश मंदिर की जाए तो 10 दिनों तक यहाँ पर लाखों की तादाद में भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो आपको खजराना मंदिर नजर आएगी। और देखिए, गणेश उत्सव को लेकर एक अलग ही उत्साह नजर आता है। खासतौर पर खजराना गणेश मंदिर की अगर बात की जाए तो इस बार खजराना गणेश मंदिर के अंदर अलग अलग फूलों से इस बार सजावट की गई है। और इन फूलों को अलग अलग राज्यों से बुलाया गया है। बंगाल, राजस्थान, गुजरात सहित अलग अलग राज्यों से इन जो फ्लावर्स हैं उन्हें बुलाया गया है। और कलाकारों जो कलाकार हैं वो इंडिया के रहने वाले हैं, और करीब 20 से ज़्यादा कलाकारों ने इस फूलों से इस मंदिर को सजाया है। और खास तौर पर अगर बात की जाए मंदिर के अंदर, तो इस बार अलग अलग व्यवस्थाएं भी देखने को मिल रही है। 300 क्विंटल फूलों का इस्तेमाल किया गया है मंदिर को सजाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो भी श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए पहुंचे, बारिश को देखते हुए 3 शेड भी लगाया गया है। बकायदा 3 शेड जहां से भी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर तक आएंगे, हर जगह पर 3 शेड लगाया गया है कि अगर बारिश होती भी है तो श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। अलग अलग गेट से एंट्री बनाई गई कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम समय में दर्शन कराया जा सके। प्रशासन का अनुमान है कि एक दिन में लगभग 3 लाख श्रद्धालु खजराना गणेश मंदिर पहुंचेंगे, इसलिए इस बार की व्यवस्थाएं भी काफी पहले से बेहतर की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट डगले साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से विशेष तैयारियां खजराना गणेश मंदिर में की गई हैं, और अनुमान ये जताया गया है कि रोज जो है श्रद्धालुओं की संख्या 3 लाख तक पहुंच सकती है। और इसी को लेकर के व्यवस्थाएं भी पर्याप्त की गई हैं। प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है और अंदर मंदिर में साजो सज्जा बहुत खूबसूरत की गई है। अलग अलग तरह की तरह से श्रृंगार जो है बप्पा का किया जा रहा है और प्रसादी भी तैयार की जा रही है। अब बात भोपाल की करेंगे, जहां गणेश उत्सव आज से प्रारंभ हो चुका है। तो वहीं प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी गजानन को घर लाने के लिए उनकी प्रतिमा लेने पहुंचे। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान गृह मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सबका मंगल हो ऐसी श्री गणेश से मेरी कामना है। आगे कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस को पश्चाताप यात्रा निकालनी चाहिए, कांग्रेस ने किसानों से किए वादों को पूरा नहीं किया। श्री गणेश विराज रहे और श्री गणेश की पूजा उपासना का आज विशेष प्रावधान रहता है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री खुद पहुंचे हुए हैं। दादा, आज आप खुद गजानन को घर लाने के लिए आज यहाँ पहुंचे हैं। मैं हर साल ही आता हूँ और विघ्न हरण मंगल करण वक्र तुंग महाकाय कोट सूर्य समप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देवम सर्व कार्येषु सिद्धि। श्री गणेश जी के चरणों में नमन। आज बहुत शुभ दिन है पूरे देश के लिए, प्रदेश के लिए। प्रदेशवासियों को क्या कामना करेंगे गजानन से? सभी मंगल हो, सुख समृद्धि आए प्रदेश के अंदर, शांति आए, यही कामना।
तो देखिए मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री हैं जो आज गजानन लेने के लिए यहाँ पहुंचे, तो वो कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में सुख समृद्धि हो ऐसी वो कामना करेंगे। कैमरामैन मोहसिन के साथ सैलेंसिंग न्यूज टीम भोपाल। आज से लालबाग के राजा का दरबार भक्तों के लिए खोल दिया गया है। पहले दिन ही बप्पा के दरबार में हजारों की संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है। मुंबई ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से भी भक्त बप्पा के दरबार में पहुंच रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। और एमपी में फिलहाल बारिश पर ब्रेक लगा है। एमपी में बारिश का कोटा पूरा हो चुका है। प्रदेश में अब तक दर्ज हुई है 903.2 मिलीमीटर बारिश। 21 तारीख के बाद फिर एक बार बारिश हो सकती है। तो बारिश का दूसरा दौर हमने देखा कि किस तरह से बारिश ने हाहाकार मचा दी अलग अलग जगह पर। फिलहाल मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी के लिए ब्रेक लगाए, पर हाँ फिर से ये मॉनसून एक बार फिर से एक्टिव होगा और झमाझम बारिश का दौर फिर से चालू होगा। खंडवा की बात करते हैं जहां इंदिरा सागर बांध से 35,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है और दूसरी बार रिकॉर्ड बनाया गया है। 13,000 क्यूसेक पानी के निकास को रोका गया, तो वहीं इससे पहले 38,000 क्यूसेक पानी छोड़कर पहला रिकॉर्ड बनाया गया था। और इसी के साथ ही मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही।